इस वीडियो में जो चैप्टर नंबर 4 के टेक्स्टबुक एक्सरसाइज पे पहले 3 एमसीक्यूज हैं, इनको हम डिस्कस कर लेते हैं। देखो, पहले क्वेश्चन में पूछा गया है कि इथेन विद द मॉलिक्यूलर फार्मूला C2H6 हैज, पहले कि इसके पास कितने कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि ऑप्शन में क्या है, सारे कोवेलेंट बॉन्ड्स के नंबर दे रखे हैं, 6, 7, 8 एंड 9। हम देख लेते हैं, पहले क्या करेंगे, इसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। C2H6, C2 मीन्स कार्बन 2 है, इथेन है तो हर जगह सिंगल बॉन्ड है, यस सिंगल बॉन्ड हर जगह आएगा, इधर इधर इधर, तो ये एच इधर आया, यहाँ भी एच आया, यहाँ भी एच आया, यहाँ भी एच आया, इधर भी एक एच प्लेस हुआ, इधर भी एक एच प्लेस हुआ, तो 6H हो गए। अब कोवलेंट बॉन्ड कितने हैं, देखो 1, 2, 3। अब मैं ब्लू कलर से देख लेता हूँ, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। तो आंसर क्या आ गया, बी। आंसर क्या आया, बी, 7 कोवलेंट बॉन्ड्स यहाँ पे हैं, तो आंसर क्या आएगा, 7। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, देखो ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड, कह रहे ब्यूटेनॉन में 4 कार्बन कंपाउंड है, इसके फंक्शनल ग्रुप को बताना है कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप इसके साथ अटैच है। देखो यहाँ से ओ एन ई से हमें पता चल गया कि जो ओ एन ई है ना यहाँ पे, ये देखो ओ एन ई, ये ओ एन ई से पता चला कि यहाँ पे कीटोन ग्रुप है, ठीक है, क्योंकि एल्डिहाइड के लिए तो एल आता है लास्ट में एन, तो इसलिए एल्डिहाइड हो नहीं सकता, और एल्कोहल के लिए ओ एल आता है लास्ट में, तो इसलिए अल्कोहल भी नहीं हो सकता, ठीक है, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड भी नहीं हो सकता क्योंकि लास्ट में ओ आई सी आता है इसके लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, तो बचा क्या, एल्डिहाइड। फिर लास्ट थर्ड क्वेश्चन देखो, वाइल कुकिंग, कह रहे कुकिंग के टाइम पे वेसल, वेसल मीन्स बर्तन के बॉटम पे ब्लैक लेयर बन जाती है, गेटिंग ब्लैक एंड ऑन द आउटसाइड, इट मीन्स दैट, कह रहे कि कुकिंग के टाइम पे जो वेसल है उसके बाहर की ओर क्या बन जाती है, ब्लैक एंड हो जाता है वो वेसल, तो इसका मतलब क्या है, देखो सिंपल है, ब्लैक हो जाने का मतलब है कि फ्यूल जो है अच्छे तरीके से बर्न नहीं हो रहा है, ठीक है, फ्यूल जो है अच्छे तरीके से बर्न नहीं हो रहा है, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली, तो बी आंसर इसका आएगा।